देश के ज्यादातर युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनमें काफी ऐसे भी हैं जो भारतीय सेना में अधिकारी पद पर पहुंचने की चाह रखते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ही उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाता है। पूर्व एनसीसी कैडेट उज्जवल चुग भी एक ऐसे ही लेखक हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर हाउ टू क्रैक द एसएसबी पुस्तक को लिखा, जो युवाओं को अधिकारी पद पर ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस पुस्तक का एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल सुनील कुमार ने दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में लोकार्पण किया। एनसीसी एक प्लेटफॉर्म है एनसीसी कैडेट्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पे एंट्री लेने के लिए, और मैं समझता हूँ कि एक एनसीसी कैडेट जिन्होंने एसएसबी का जो कोड है उसको क्रैक किया हुआ है, और अगर वो एक ऐसी बुक लिखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये उनको जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, और उनको आर्म्ड फोर्सेज में एज कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री करने के लिए ये बुक मददगार सिद्ध होगी। एसएसबी पर एक थीम गीत भी तैयार किया गया है, जिसे पुस्तक के लोकार्पण समारोह के मौके पर पेश किया गया। चाहे करना पड़े अब हमको कुछ भी, दिस इनिशिएटिव इज फॉर इग्नाइटिंग द यूथ ऑफ इंडिया फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज एज अ करियर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल करियर इन द वर्ल्ड, एंड जस्ट टू प्रोवोक मोर एंड मोर एस्पायरेंस फॉर द आर्म फोर्सेज, वी हैव डन समथिंग डिफरेंट इन दिस बुक एज वेल अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में अतुल्य भारत की छवियां विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसमें लेखकों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की और अतुल्य भारत के प्रचार प्रसार में प्रकाशन विभाग के महत्व को जाना। हमारे देश के बारे में हमारी युवा पीढ़ी खास करके उसके सांस्कृतिक मूल्यों को अगर नहीं जानेंगे तो विश्व में जाके कैसे उसको उसका प्रसार करते हैं, तो ऐसे विषय पर चर्चा होने से हमारी क्या आगे पदक्षेप क्या हो सकते हैं, कौन सी नीति और नियम हम ले सकते हैं, इस तरह से कुछ इससे निष्कर्ष मिल सकता है हमको। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बावजूद मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजते नजर आ रहे हैं। गिरीश निशारा, DD News दिल्ली।